रामकली बहुत हिटलर और लड़ाका थी वह नंबर एक की चटोरी लेकिन दूसरों के लिए कंजूस थी चाट पकौड़ी बहुत खाती थी उसका घर लड़ाई का अड्डा था जब से उसके घर बहु श्यामली के आई तब से रामकली की जुबान और तेज हो गई थोड़े दिन रहकर बेटा केशव नौकरी करने शहर चला गया अब रामकली अपनी तानाशाही चलाने लगी उसके पति गरीब दास उससे बहुत डरते थे एक दिन रामकली बोली ए जी सुनो आज घर में आटा नहीं है जाओ बाजार से ले आओ ए, लाओ रुपए दो तुमने हमारे पास कौन से रुपए रखे जो हम तुम्हें दे जाओ अपनी जमुना भाभी से उधार ले आओ अरे भगवान, अब कोई मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ जो उधार लेने जाऊँ अरे शर्म नहीं आती तुझे जो मुझे ये काम बता रही है कल ही आटा आया था इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया बोल तूने बेचकर चाट खाई कि नहीं तुम्हारी जुबान को आग लगे आग! तुमने जिंदगी भर कुछ कमाया भी है जो मैं बेच दूंगी जिंदगी भर पड़े पड़े खटिया ही तोड़ी है तुमने अब चुप हो जाओ बस नहीं तो खरी खरी सुनोगे हाँ दास तुरंत चुप हो गए लेकिन उन्हें पता था अगर रामकली को और ज्यादा छेड़ा तो वह सीधे डंडा पकड़ेगी दोनों को ऐसे लड़ते देखकर शामली को बहुत अजीब लगा वो रामकली के पास आकर बोली अम्मा जी मत लड़ो घर में जितना आटा है उसकी ही रोटियां सेक लेती हूँ तो कावे सबके खाने के लिए पूरी पड़ जाएंगी जब तक और आटा नहीं आता तब तक मैं नहीं खाऊंगी यह सुनकर तो रामकली खुश हो गई शामली ने खाना बनाया रोटी थोड़ी सी ही थी अभी वे लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि दरवाजे पर एक आवाज आई अरे घर में कोई है क्या लगता है कोई ना कोई भिखारी मरने आ गया सब यही दौड़े चले आते हैं ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर धर्मशाला खुली हुई है ए जी कह दो घर में कोई नहीं है अरे भगवान इतनी जोर से चिल्ला कर तो बोल रही हो अब तक तो उसने सुन भी लिया होगा गरीब दास ने बाहर की ओर देखा कि एक पतला दुबला गरीब और बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है बूढ़ा आदमी गरीब दास को देख कर बोला बहुत जोर की लगी है दो दिन से मुझे खाना नहीं मिला फिर अंदर की तरफ झांकते हुए शामली से रोटी मांगने लगा बेटी एक रोटी मुझे भी खाने को दे दो तुम्हारा बहुत भला होगा लेकिन बेटी तुम टूटे हुए चकले से रोटी बेल रही हो बेलन भी एक तरफ से टूटा हुआ है राम राम मैं तो गरीब हूँ ही लेकिन देख रहा हूँ बुरा हाल है राम कली गुस्से से शेरनी की तरह तन कर खड़ी हो गई और बोली अबे भिखारी तेरी इतनी हिम्मत भीख मांगने आया है और घर का इंतजाम देखने चला चल बाहर बैठ ओहो ये औरत है यह तूफान मेल यह सुनकर तो रामकली उस बूढ़े को मारने के लिए डंडा ढूंढने लगी तब तक शामली खाना लेकर बाहर बूढ़े के पास गई अब बहू आटा बहुत कम था इसको मेरे हिस्से की रोटी दे देना पिताजी मैं अपने हिस्से की दे रही हूँ मेरी अम्मा कहती थी कि कभी दरवाजे से भूखे को नहीं लौटाना चाहिए भिखारी बड़े ध्यान से सब बातें सुन रहा था रामकली श्यामली और गरीब दास पर टूट पड़ी इस भिखारी को मारने के लिए डंडा लाई थी लेकिन पहले तुमसे निपट लू। बहुत बड़ी अन्नपूर्णा बनती हो? ऐसी ही अमीर थी तो मायके से कुछ लेकर क्यों नहीं आई मैं बहुत दिनों से तुम्हारे लक्षण देख रही हूँ लेकिन अब पानी सिर के ऊपर हो गया है हाँ जब मैं मना कर रही थी तो तुमने उसे बुलाकर क्यों खिलाया रे बाप ये तो बिल्कुल लग रही है ये तो मेरा सिर ही भोड़ देगी अब बेटा निकल ले यहाँ से वरना तेरी खैर नहीं उसने फटाफट रोटियां अपने झोले में डाल ली और वहां से चला गया इधर रामकली अभी भी लड़ रही थी और कह रही थी मुझसे जुबान लड़ाती हो और मेरा कहना भी नहीं मानती जब से तुम आई हो तब से गरीबी ही गरीबी है अकेला लड़का कमाते कमाते थका जा रहा है थोड़े दिन के लिए मायके में जाकर रह लो तो कुछ शांति भी मिल जाए थोड़ा खर्चा भी कम हो जाए अरे क्यों बेचारी के पीछे पड़ी हो वो हमें खाना बनाकर खिलाती है यह करम जली क्या खाना बनाएगी जली हुई रोटी कच्ची दाल ऐसा खाना बनाती है रामकली ने धक्का देकर शामली को घर से निकाल दिया और गेट बंद कर लिए शामली रोती हुई अपने घर की तरफ चल दी जब वह बहुत दूर निकल गई तो उसे वही आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया उसके कंधे पर झोला था जैसे ही उसने शामली को देखा वो खुश हो गया और बोला, "बेटी कहा जा रही हो क्या हुआ? क्या किसी ने परेशान किया है <laughs> मुझे अम्मा जी ने घर से निकाल दिया अब तुम तो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें जादुई पेड़ से चकला बेलन बनवा कर दूंगा वो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर देगा पता है वो जादुई पेड़ मेरे घर में एक बाबा जी ने लगाया था सबसे दयालु और भले इंसान को ही उसका लाभ मिलेगा और किसी को नहीं और तुम वैसी ही हो यह सुनकर शामली उसके साथ उसके घर चली गई। बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे जाकर बोला चकला बेलन के लिए लकड़ी चाहिए उस पेड़ से तुरंत ही एक मोटी सी डाल नीचे गिरी तुम्हें जादुई पेड़ का आशीर्वाद मिल गया समझो उसने खुद तुमको लकड़ी दी है इसका मतलब है कि तुम उस जादू का लाभ लेने लायक हो उस बूढ़े आदमी ने एक सुंदर सा बेलन और चकला बनाया और उसे दे दिया अब तुम्हें इससे मनचाही चीज मिल सकती है तुम जो भी मांगोगी वो चीज मिल जाएगी तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे यह सुनकर श्यामली बहुत खुश हुई वह चकला बेलन लेकर घर वापस आ गई जैसे ही वह घर में घुसी रामकली उसे देखकर आग बबूला हो गई और बोली कल बोल, चकला बेलन दिया है रामकली ने झपट्टा मार कर वह चकला बेलन छीना और दीवार पर जोर से दे मारा वह गुस्से से चिल्लाई इसमें कहा जादू है दिखा पागल बनाती है मुझे लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ वह बेलन हवा में उड़ता हुआ आया और रामकली के सिर पर, तड़ पर, तड़ तड़ पर करके बचने लगा। सब लोग देखते ही रह गए रामकली जोर जोर से चिल्लाई मुझे बचाओ बचाओ कोई तो मुझे बचाओ लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो अंधा अंधाधुन चलते हुए बेलन को रोक ले थोड़ी ही देर में रामकली बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी तभी श्यामली ने उस बेलन को रोका और चकला बेलन को रख दिया श्यामली बोली हे जादुई चकला बेलन मेरी अम्मा जी की बुद्धि को ठीक कर दो इनका मन साफ हो जाए और ये दयालु बन जाए दूसरा मेरे घर की सारी गरीबी दूर हो जाए एक अच्छा सा मकान बन जाए और खर्चे के लिए ढेर सारे रुपए आ जाएं। और फिर चमत्कार हो गया गरीब दास खुश होकर बोले वाह बहू तुमने तो कमाल कर दिया हमारा कितना सुंदर घर बन गया है कितने सारे रुपए आ गए हैं वाह वाह तब तक रामकली भी उठकर खड़ी हो गई थी वह अब ठीक थी उनका दिमाग बदल चुका था रामकली शामली को गले लगाते हुए बोली बहू तुमने खाना खाया कि नहीं बताओ तुम कितनी कमजोर हो गई हो अपना ध्यान रखा करो अपने पिताजी को खाना परोस दो यह आश्चर्यजनक बदलाव देखकर गरीब दास और श्यामली दोनों ही बहुत खुश हो गए अब उनके घर में रुपया पैसों की कोई कमी नहीं थी और न ही किसी चीज की जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो श्यामली झट से चकला बेलन से मांग लेती अब उनके घर में खुशियां ही खुशियां थी